आप अच्छे हो दोस्तों। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसी वीडियो में, जिस वीडियो में आप देखोगे कि बहुत सारी होलियाँ जो मथुरा वृंदावन के अंदर होती हैं, उन होलियों का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, मैं आज आपको ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों पूरे मथुरा में अनेकों प्रकार से होली का आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा सर्वप्रथम लड्डूमार होली बरसाने में, फूलमार होली नंदगांव में, लठमार होली फिर बरसाने में लठमार होली, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में रंग गुलाल से होली, वृंदावन के एकादशी के दिन परिक्रमा में होली। मथुरा वृंदावन के इस ब्रजमंडल में अनेकों प्रकार से होली मनाई जाती है। और आप देखते हो कि ब्रजमंडल के हरेक गांव के अंदर भी एक अच्छी, एक सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से होली का आयोजन किया जाता है। मैं आपको एक एक होली के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस होली में रंग और गुलाल क्यों प्रयोग में किया जाता है, क्या इसका कोई विशेष कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। दोस्तों आप देखते होंगे कि सर्वप्रथम मैंने आप देखते हैं फूलमार होली होती है, लड्डूमार होली होती है, बरसाने में लठमार होली होती है। ये लठमार होली प्राचीन काल श्री कृष्ण जी के समय से ही चली आ रही है। और ये जो गुलाल लगाने का जो प्रक्रिया है, जो गुलाल क्यों लगाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जब पुराने समय में ऐसा हुआ था, जब श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में थे और राधा जी के साथ में वो बैठे हुए थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरा रंग काला है और राधिका गोरी है। तो इस प्रकार सोचते हुए श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया से कहने लगे कि मैया मेरा तो रंग काला है और राधा का रंग गोरा है, मैं ऐसा क्यों है, मेरा भी रंग गोरा होना चाहिए था। तो मैया कहने लगी, काना तुम जिस रंग में राधा को देखना चाहते हो उस रंग में आप देखिए, वो रंग लगा दीजिए, वो उसी रंग में हो जाएगी। तो ये होली के दिन श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम रंग गुलाल लगाया था राधा जी को, और उसी दिन से ये परंपरा बन गई कि सभी लोग होली पर रंग और गुलाल उड़ाते हैं और एक दूसरे को लगा करके गले लगते हैं। और एक दूसरा है कि वृंदावन में होती है बांके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल फूलों से होली, लठमार होली बरसाने में होती है, गोकुल में होती है छड़ीमार होली। तो ये टोटल जितनी भी होलियां होती हैं सारी एक ग्वाले गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान और राधिका के रूप में मिलकर के एक दूसरे को ये होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं और वो छड़ी और लठ मारते हैं। बरसाने के अंदर जो लठमार होली होती है उसमें वहाँ की गोपिकाएं वो लठ चलाती हैं और वहाँ के जो ग्वाले हैं वो ग्वाले नंदगांव के होते हैं और गोपिकाएं बरसाने की होती हैं, तो वो अपने साथ में ढाल रखते हैं और ढाल ऊपर सर पे लगा रहते हैं और लगातार उन पर लठ बरसाए जाते हैं, उसे कहते हैं लठमार होली। और जो मंदिर में जाने के बाद में पुष्प वर्षा होती है उसे कहते हैं फूलमार होली। और दोस्तों यहाँ गोकुल में होती है छड़ीमार होली। छड़ीमार होली में एक बलराम और गोपिका और कृष्ण जी के इस तरीके के आभूषणों के रूप में यहाँ पर पहन करके आते हैं, सर धज के आते हैं और फिर उस छड़ीमार होली होते हुए वो अपने एक हल रूपी उस डंडे पर लाठी पर वो वहाँ की गोपिकाएं अपनी छड़ी मारती हैं, उसे छड़ीमार होली कहते हैं। और आपने देखा होगा कि होली क्यों मनाई जाती है, ये भी एक प्रश्न है कि होली क्यों मनाई जाती है। आप वैसे तो जहाँ तक लोगों को सबको पता होता है कि पहले समय में जब प्रहलाद का जन्म हुआ था विष्णु जी के अनन्य भक्त थे और जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें ये लगता था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलते थे वो। तो ये भक्त प्रहलाद श्री विष्णु का आराधना करते रहते थे, उन्हें याद करते थे, उन्हें भक्ति करते थे, तो ये बात बिल्कुल उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और वो मना करते थे बार बार, उन्हें दंडित भी करते थे बार बार, कई बार उनको पहाड़ों से फेंका, कभी आग में जलाने की कोशिश की, कभी खम्भे से बांध दिया। तो अनेकों प्रकार से उन्होंने कोशिश की थी लेकिन भक्त प्रहलाद को श्री भगवान की भक्ति की इसलिए उनका कोई भी विपत्ति नहीं आई। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप और उसकी बहन थी, बहन के पास में एक इस तरह का वस्त्र था कि अगर उसे वो ओढ़ ले तो अग्नि उससे कोई प्रभावित नहीं कर सकती। तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी प्रहलाद की बुआ ने अपने भाई से कहा कि भाई इस प्रहलाद को एक बड़ी चिता सी बना दो और उसमें मैं बैठ जाऊंगी अपना शीतल वस्त्र ओढ़ करके, और भक्त प्रहलाद इस प्रहलाद को मैं अपने हाथ में ले लूंगी
मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं शीतल वस्त्र पहने हुई हूँ और ये जो पहला आदेश है ये जल जाएगा। ये बात हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन प्रभु का चमत्कार श्री भगवान की अनन्य भक्ति के कारण कि एक आंधी का झोंका आया और वो शीतल वस्त्र उस होलिका से जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसके इस बदन से हटकर शरीर से हटकर के भक्त प्रहलाद को लिपट गया। तो जैसे ही वो शीतल वस्त्र हटा तो होलिका जलने लगी और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो उनको जब राक्षसों को हिरण्यकश्यप के उन सैनिकों को पता चला कि माँ उनकी जो बुआ थी बहन थी हलो होलिका वो जल रही है तो वो लोग कीचड़ उठा के मारने लगे। इधर कीचड़ उठा के मारने लगे तो बहुत से लोग आपने देखा होगा सुबह में तो रंग गुलाल लगाते हैं, बाद में कीचड़ और गोबर बहुत वस्तुएं जो उनको प्रयोग में लाते हैं और एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो वो राक्षस दैत्य योनि के रूप में होती है। वो लोगों ने उस होलिका को बचाने के लिए कीचड़ फेंका था, उसी तरीके से ये लोग कीचड़ फेंकते हैं। और रंग गुलाल जैसे ही भक्त प्रहलाद बच गए तो पूरे नगर में खुशी का माहौल हो गया कि भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे को टीका करने के गले मिलने लगे, रंग गुलाल लगा करके गले मिलने लगे और अपनी खुशी को व्यक्त करने लगे। इस तरह की इस होलिका की कहानी भक्त प्रहलाद के साथ में। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।